तो मंदिर बनकर तैयार है, अब सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समय की जो 20 बड़ी खबरें हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पर केंद्रित 6 डाक टिकट किए जारी। राम मंदिर के साथ ही रामायण चौपाई, सूर्यदेव, सरयू नदी, राम मंदिर के पास बनी कलाकृतियां श्री गणेश, श्री हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी को समर्पित है। राम मंदिर पर डाक टिकट बुकलेट लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा टिकट इतिहास की किताबों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं, डाक टिकट अगली पीढ़ी तक संदेश पहुंचाते हैं। रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया पहुंची अयोध्या। अरुण गोविल ने कहा अयोध्या का राम मंदिर साबित होगा राष्ट्र मंदिर। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की खुशियां, लखनऊ में मुस्लिम कार सेवक मंच के सदस्य भी मनाएंगे, चौराहों पर मिठाइयां भी बांटेंगे, कई जिलों के मुस्लिम समाज के लोग भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने उठाया कदम, 31 जनवरी तक अयोध्या में रेल पार्सल यातायात पर रहेगी रोक। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस ने चला रहा है चेकिंग अभियान। अलीगढ़ में बनी प्रभु श्रीराम के बाल स्वरूप कांच की कलाकृति, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मिलेगा स्थान। अलीगढ़ के बाजारों में श्रीराम छपे भगवा झंडों की मांग बढ़ने से महिलाओं को मिला रोजगार, महिलाएं अपने अपने घरों पर तैयार कर रही हैं झंडे। अयोध्या की पवित्र सरयू मिट्टी से 22 जनवरी को राम ज्योति प्रज्वलित होगी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को घर घर दीप जलाकर मनाई जाएगी दीपावली। गुलाबी मीनाकारी के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हस्तशिल्पी वाराणसी के कुंज बिहारी ने सोने चांदी और हीरे से 108 दिनों की मेहनत से बनाई श्री राम मंदिर की अनुकृति, भगवान राम को करना चाहते हैं समर्पित। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह बलरामपुर में भारत नेपाल सीमावर्ती थारू बाहुल क्षेत्र में भी दिख रहा, पालापुर जरवा में पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को सजाने के लिए हापुड़ तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव तिगरी में किसान तेग सिंह को 10 टन फूल अयोध्या भेजने का ऑर्डर मिला, जिससे किसान के चेहरे पर भी खुशी है। आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र का आदिवासी समुदाय अपनी परंपरागत लोक कलाओं के साथ अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चित्रकूट से श्री राम चरण पादुका यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा प्रयागराज में निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर पहुंची, यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। काशी की बेटी सोनी चौरसिया स्केटिंग कर पहुंच रही अयोध्या, 228 किलोमीटर की दूरी को 4 दिनों में पूरा करने का रखा है लक्ष्य। लखनऊ के कानपुर रोड पर बंत्रा में प्रधान ढाबे के बाहर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की गाड़ी में घुसा युवक, कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना के समय में गाड़ी में मौजूद नहीं थी केंद्रीय मंत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, भाजपा पदाधिकारी गांवों में करेंगे 24 घंटे का प्रवास, 4 से 11 फरवरी तक चलेगा गांव चलो अभियान। बिजली बकायेदारों की सुविधा के लिए लाई गई एक मुश्त समाधान योजना को मिली सफलता, 8 नवंबर से 16 जनवरी तक प्रदेश में 6600 करोड़ रुपए की हुई वसूली।